नमस्कार, शशि शर्मा किचन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं शाही पनीर। दोस्तों, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरी पनीर पसंद करते हैं, मेरी रेसिपी को उस रेसिपी को लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ उसमें अपने सजेशन दें कि जिससे मुझे उसे फ़ायदा होगा कि मेरे को और बनाने का रेसिपी डालने के लिए मेरा उत्साह बढ़ेगा कि आप उस पर कमेंट्स करें। जो भी आपका सजेशन हो, मेरे सजेशन दें और मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चलिए देखते हैं, बनाते हैं शाही पनीर कैसे बनाया जाता है। आज हम बना रहे हैं शाही पनीर। शाही पनीर को हम किस तरीके से कुछ अलग ही मतलब रेसिपी तैयार कर रहे हैं, लेकिन नाम हमने उसका शाही पनीर रखा है। वो अलग ही तरीके से बनाएंगे हम, रेस्टोरेंट वगैरह से सबसे अलग। मेरा अपना अपना तरीका है शाही पनीर को बनाने का, मैं उस तरीके को अपनाऊंगी। ठीक है, तो हमने कढ़ाई के नीचे गैस जला दी है और अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा घी। हम डाल देंगे इसमें प्योर देसी घी डालेंगे। आज इसमें हमने थोड़ा घी डाल दिया और ये गर्म हो जाएगा। घी डाल के हम डालेंगे इसमें तेजपात का पत्ता, और साथ डालेंगे ग्रीन हरी इलायची डाल दी हमने, और हम बाकी चीज़ें डालते हैं। थोड़ा डालेंगे हम जीरा, एक चम्मच जीरा डाल दिया हमने। और ज़्यादा खड़े मसाले नहीं डालेंगे, शाही पनीर मसाला भी यूज करना है और दूसरा गरम मसाला यूज करना है, तो सभी मसाले डालेंगे। जीरा ये ओके, हम डाल रहे हैं इसमें। हमने कुछ डाली है अदरक, उस लिए अदरक ली है हमने 1 इंच लंबी, 2 मीडियम साइज की प्याज लिए हैं 2, और 10-12 काजू लिए हैं हमने, और 2 हरी मिर्चें लिए हैं। अब मैंने इसमें डाल दिया है अदरक को, 2 हरी मिर्ची डाल दी। अब मैं प्याज डाल रही हूँ, प्याज डाल दी मैंने। काजू हम डालेंगे सबसे लास्ट में, जब थोड़ा ये प्याज थोड़ा हो जाएगा, सिक जाएगा थोड़ा सा। हमें इनको सबको जलाना नहीं है, खाली हल्का सा इसको तैयार करना है, मतलब पूरी तरह ब्राउन नहीं करना हमें इसको। क्योंकि हमें इन सबको मिक्सी में पीसना है बाद में ठंडा करके। अब उसमें डाल देते हैं हम काजू, काफ़ी हो गई है। काजू को सीखने में समय नहीं लगता है, इसलिए हमने काजू पहले नहीं डाले थे, इसलिए लास्ट में डाले हैं अभी। तो हमें लगा कि प्याज काफ़ी हो गई है। मैं डालूंगी टमाटर, मेरे टमाटर लिए हैं 2 बड़े साइज के। ये 2 बड़े साइज के प्याज टमाटर लिए हमने। जरा सा इसमें नमक, थोड़ा टमाटर को सॉफ्ट करना है।
अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा पानी जिससे ये सब चीजें बॉयल हो जाए अच्छे से। बॉयल करने के लिए अच्छे से बॉयल हो जाएंगी सब्जी में। जब ये थोड़ा बॉयल हो जाएंगी तो इनको ठंडा करेंगे, ठंडा करके इनको मिक्सी में पीसेंगे और उसके बाद में फिर दोबारा आगे रेसिपी करके चालू होगी। बस इतना पानी काफी है मान ली। ये बॉयल हो जाएगा अच्छे से सब, तब गैस बंद करेंगे, ठंडा करेंगे और फिर उसको मिक्सी में पीसेंगे। हमारे ये सब पक के तैयार हो गई है और देखो टमाटर सब गल गए हैं, तो टमाटर का अब हम उसके छिक्कल उतार लेंगे। इसके जैसे छिक्कल उतर जाते हैं, टमाटर के छिक्कल हटा लेंगे हम उसको सब्जी में। लिया सब छिक्कल हमने अलग कर दिए टमाटर के, इसलिए हमने टमाटर को मोटा मोटा कट किया था सबको, जिससे ये छिक्कल आसानी से अलग हो सके। अब हमें सबको पीसना है, फिर छानने की जरूरत नहीं पड़ेगी ग्रेवी को। जब हम उसको सारे छिक्कल भी उतार लिए, हमने सब कुछ वेस्ट बाहर कर दिया है, उसमें से अलग करना था। सारे छिक्कल उतर गए हैं, ये देखिए सब छिक्कल निकाल दिए मैंने, तेज भात का पत्ता भी निकाल दिया। अब ये ठंडी हो जाएगी ग्रेवी, ये सब कुछ ठंडा हो जाएगा तो मैं इसको मिक्सी में पीसूंगी। ग्रेवी में हमने शाही पनीर मसाला, थोड़ा गरम मसाला, थोड़ी शुगर डाली है आधा स्पून में इसमें, इसको टेस्ट को बैलेंस करने के लिए। मसाला तैयार हो जाएगा तो हम डाल देंगे पनीर। हमने 250 ग्राम पनीर को मैंने कट कर लिया है, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक चेक कर लें, स्वाद के अनुसार नमक कितना हो ऐड करना। मैंने थोड़ा नमक ऐड कर दिया है आधा स्पून, थोड़ा भुन अच्छे से पक जाएगा अपना ऑयल ये रिलीज कर देगा, उसके बाद में पनीर डालूंगी मैं। हमने पनीर डाल दिया है ग्रेवी में, डालेंगे हम ये थोड़ी मलाई, फ्रेश मलाई है फेटी हुई डाल दी हमने।
इसमें थोड़ी कसूरी मेथी, कसूरी मेथी डाल दी। शाही पनीर तैयार हो गया है पूरी तरीके से। अब इसका हम एक बार चेक कर लेते हैं इसका नमक। थोड़ा पकाएंगे इसको, इसमें नमक मिर्च कैसा है, फर्स्ट क्लास बिल्कुल सही है। चावल के साथ, नान के साथ, पराठे के साथ, प्लेन पराठा, लच्छा पराठा, किसी के साथ भी इसको सर्व किया जा सकता है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया टेस्टी सब्जी बनी है। धनिया, धनिया डाल दिया हमने। हाँ, धनिया डाल दिया। अब हम हमारी सब्जी पूरी तरह तैयार हो गई है। हमने धनिया डाल दिया पूरी सर्व करने के लिए। बनाइए, खाइए और एंजॉय कीजिए। बनाइए, मेरे चैनल पे जाइए और रेसिपी देख के बनाइए अच्छे से। बहुत ही बढ़िया सब्जी बनती है और बहुत आसान है इसको बनाना। आसानी से कोई भी बना सकता है इसको, इसमें ज़्यादा वो नहीं है। काफ़ी कुछ चेंज कर दिया है मैंने रेसिपी में। और मेरे चैनल पे जाइए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो शेयर करें। धन्यवाद। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये कितनी अच्छी सब्जी बन गई है, ये देखो। मैं डेकोरेट कर देती हूँ थोड़ी सी।